अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं से जुड़े मुद्दे छाए रहे। बैठक में जिले के मात्र 2 विधायक ही पहुंच पाए। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। करीब 1 साल बाद अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला प्रमुख रेखा राजू यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में दिवंगत विधायक धर्मपाल चौधरी को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद गत बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन के बाद नरेगा की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। वार्षिक कार्य योजना को लेकर भी कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए कि नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में जिला पार्षद के सुझाए कार्य भी शामिल किए जाए। बैठक में 10 पंचायत समितियों के ग्राम पंचायत विकास प्लान का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किए कि कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक में यहां तक आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। बैठक में जिला परिषद सीओ अंशदीप, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी राहुल प्रकाश की अनुपस्थिति पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। वहीं जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने बताया कि बैठक में अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के तुरंत निवारण के निर्देश दिए गए। बैठक में जो अधिकारी नहीं आए उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। आज जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आमजन की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए निस्तारण के लिए कहा गया है। बैठक में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों पर चर्चा की गई। बैठक में अनुपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। वहीं बैठक में अलवर जिले के 10 विधायकों के अलावा अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण सांसद को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन बैठक में ना तो सांसद आए और ना ही अधिकांश विधायक। बैठक में अलवर ग्रामीण विधायक जयराम जाटव और तिजारा विधायक मामन सिंह यादव उपस्थित हो पाए। विधायक जयराम जाटव ने कहा कि नरेगा योजना ग्रामीणों के लिए रोजगार और विकास कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष जोर देने की बात बैठक में उन्होंने उठाई। अगर अलवर जिले को चंबल का पानी नहीं लाया गया ना, तो आगे आने वाला टाइम में बरसात कम हुई तो जमीन में पानी बचा नहीं है और अलवर जिले में बहुत बुरी हालत। सरकार गंभीर नहीं है। आ रही है 37,000 करोड़ की पहली बार स्कीम बनाई है। कांग्रेस 5 साल तक रोती रोती चलेगी। हमने तो 37,000 करोड़ की प्रदेश की मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आई थी, तब हमने स्कीम को तैयार किया था। पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों से दुहाई दी थी हमने, क्यों वोट देते हो कांग्रेस के लोगों को। आज सांसद करण सिंह जीत के आया है, क्या पेयजल की योजना को पास करा के लाएगा? अभी मुख्यमंत्री को परसों हमारी कल जल स्वावलंबन मीटिंग है, हम वहाँ जा रहे हैं और वो 37,000 करोड़ की स्कीम जो उसका DPR बन गई उसकी वित्त स्वीकृति जारी होनी है। हम आसानी पूरे गर्व से कहते हैं, पूरे विश्वास से कहते हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी उसको पास कराई, केंद्र के मंत्री से पास करा के लाई। ये चंबल का, ये केवल निवारी का मामला नहीं है, पूरे जिले में पानी नहीं बचा। आपका ऐसा कोई गांव बता दे जहाँ पानी की लग रही, शहर में नहीं है, सारे जिले में, पूरे प्रदेश, अपने जिले में तो बहुत बुरी हालात है। इनकी मैंने इस समस्या को सुना है, इसके समाधान के लिए अभी मैंने वीडियो को मैं कहूँगा कि उसको तुरंत पंचायत सरपंच सेक्रेटरी से कह के चालू करें। मीटिंग में क्या